जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम सुनामी तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अध्ययन किया था। भूकंप के बारे में जितना पढ़ा उसी पर आधारित है सुनामी तरंगें। सुनामी तरंग क्या होती है इसको समझने से पहले विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि सुनामी एक तरंग है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है। तो पहले हम ये जाने कि तरंग और धारा में अंतर क्या होता है, यानी वेव और करंट में क्या फ़र्क होता है। विद्यार्थियों, आपने तालाब में कभी पत्थर फेंका हो तो उसके बाद एक गोल गोल लहर किनारे तक पहुंचती है, उसको हम लहर कहते हैं। कभी समुद्र के किनारे अगर बैठकर देखा हो तो लहरें आती हैं किनारे तक, वापस चली जाती हैं। तो जो समुद्र का पानी अपने ऊपर तल पर, सरफेस पर जब आगे बढ़ता है तो वो लहरों के कारण बढ़ता है, और उन लहरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है हवाओं का चलना। जब हवाएं समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं तेज गति से, तो वो समुद्र के ऊपर के पानी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ता, लहरों में पानी आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। तो वहीं धारा की बात करें, जल धाराओं की, वाटर करंट में पानी का एक बहुत बड़ी गहराई आगे की ओर जाती है, डेप्थ में पानी आगे की ओर बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी आगे की ओर जाती है। नदी एक जल धारा है, नदी का बहना एक जल धारा है, क्योंकि नदी में पानी नीचे से ऊपर तक बहता है। समुद्र में पानी नीचे से ऊपर तक नहीं बहता। समुद्र में ये हो सकता है कि समुद्र की गहराई 2000 मीटर है कहीं, और ऊपर की 20 मीटर की पट्टी बह रही है, नीचे का पानी नहीं बह रहा, केवल ऊपर की पट्टी बह रही, तो वो जल धारा है। ये भी हो सकता है कि कोई पट्टी नहीं बह रही, ऊपर केवल एक इस तरह से ऐसे समुद्र की हिलोरें आगे बढ़ रही हैं, उनको लहर कहते हैं। लहर कभी भी पानी के अंदर नहीं, लहर हमेशा पानी के ऊपर चलती है, लहर अंदर नहीं चल सकती, अंदर धाराएं चल सकती हैं। लहर को सरफेस पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लहर ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म है। लहर जब आगे बढ़ती है तो वो ऐसे करते हुए आगे जाती है ना, तो ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव की विशेषता होती है ये लिक्विड के सरफेस पे चल सकती है, गहराई में नहीं। इसीलिए जितने प्रकार की भी तरंगें होती हैं पानी के ऊपर चलने वाली, वो सिर्फ पानी के सरफेस पे चलती हैं, गहराई में नहीं। गहराई में चलेगी तो वो करंट होगी। तो यहाँ हम सुनामी तरंगों की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सुनामी तरंग का संबंध कहाँ से है? समुद्र के सरफेस से। तो प्रश्न उठता है, तो क्या सुनामी तरंगें समुद्र के अंदर नहीं होती? होती हैं, लेकिन वो ट्रांसवर्स फॉर्म में नहीं होती, वो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में होती हैं। जैसे भूकंप के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जब भूकंप आता है तो जमीन के नीचे से भूकंपी तरंगें ऊपर उठती हैं, तो उनका स्वभाव लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य होता है, सीधी ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठते हुए जब क्रस्ट के ऊपरी सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद वो ट्रांसवर्स बन जाती हैं, जो लव और रैली के फॉर्म में आ जाती हैं। जब तक जमीन के अंदर रहती हैं बॉडी वेव के फॉर्म में होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सीधी चलती हैं, जबकि सेकेंडरी कैसी चलती हैं? सेकेंडरी ऐसी चलती है ना, ट्रांसवर्स होके चलती हैं सेकेंडरी। और हमने क्या पढ़ा है कि पानी के अंदर ट्रांसवर्स नहीं चल सकती, सॉलिड में तो चल सकती हैं, पानी के अंदर नहीं चल सकती। तो जो सुनामी तरंगें हैं जहाँ उठती हैं जमीन के अंदर, अब जमीन के अंदर कहाँ उठेंगी? जहाँ भूकंप आएगा, सिंपल सी बात है। अगर जमीन के अंदर समुद्र के कटोरे में, मान लीजिए समुद्र एक कटोरे के फॉर्म में पानी भरा हुआ है, नीचे चट्टाने हैं कठोर, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, अगर नीचे की चट्टान हिल जाए तो उसके हिलने से पूरा पानी हिल जाएगा, और जब पानी हिलेगा तो अंदर से तरंग उत्पन्न होगी, और वो तरंग सीधी ऊपर जाएगी, और ऊपर आके तब तक ऊपर चलेगी सीधी जब तक कि समुद्र की सरफेस नहीं आ जाती। जैसे ही सरफेस आई वैसे ही वो ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पिक्चर आपको दिखाई गई है।
मान लीजिए इस स्थान पर भूकंप आया, ये समुद्र की तलैटी है, ये पानी भरा हुआ है समुद्र में, ये समुद्र की तलैटी है, ये समुद्र की तलैटी में भूकंप आया इस स्थान पर, तो जैसे ही इस स्थान पर भूकंप आएगा तो भूकंपी तरंग उत्पन्न होगी, उसे कहेंगे सिस्मल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। भूकंपी अनुदैर्ध्य तरंगें जो पानी के अंदर चलती हैं, ये सिस्मल लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं, नीचे से ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर ये समुद्र की सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। जैसे ही सरफेस पर पहुंचेंगी, ये समुद्र के चारों दिशाओं में चलना शुरू करेंगी। अब इनका स्वभाव हो जाएगा ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, तो ये अनुप्रस्थ तरंग बन जाएंगी और समुद्र के ऊपर आगे की ओर गति करना शुरू करेंगी। आगे गति कैसे करेंगी ये आप देखिएगा, यहाँ जब ये आगे बढ़ेंगी तो इस तरह से आगे चल रही हैं। इस पूरी तरंग में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी वेवलेंथ किसे कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है किसी भी तरंग द्वारा एक साइकिल पूरा करने में चली गई दूरी। एक साइकिल पूरा कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आधा साइकिल हो गया, अगर इसके नीचे एक पूरा साइकिल बनाना है तो इसको नीचे तक लाना पड़ेगा, तो आधा साइकिल ऊपर है और आधा साइकिल नीचे है, इसलिए इस तरंग ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है, ये पूरा एक साइकिल बन गया इसका, इसको कहते हैं वेवलेंथ या तरंग लंबाई। तरंग लंबाई निकालने का तरीका ये भी होता है कि ये श्रृंग है, तरंग का ये श्रृंग भाग है, श्रृंग माने उठा हुआ भाग, सबसे ऊँचा, और सबसे ऊंचा भाग दूसरा यहाँ आता है, तो दो सबसे ऊंचे भागों के बीच की दूरी को, दो सबसे ऊंचे भागों के बीच की दूरी को भी तरंग लंबाई कहते हैं। दो सबसे नीचे लगातार दो धसे हुए भागों के बीच की दूरी को भी तरंग लंबाई कहते हैं। तो आप यहाँ तरंग लंबाई को सिर्फ इस तरह से जानें कि किसी तरंग द्वारा एक साइकिल पूरा करने में लिया गया, ली गई दूरी, चली गई दूरी, वो कहलाएगी तरंग की लंबाई। तो ये एक सुनामी तरंग है, इसकी लंबाई यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आएगी, एक साइकिल यहाँ पूरा होगा, दूसरा साइकिल यहाँ पूरा होगा, तीसरा साइकिल यहाँ पूरा होगा, चौथा साइकिल यहाँ पूरा होगा। क्लियर है, इसके चार साइकिल दिखाए हैं मैंने आपको। तो इस तरंग में तरंग लंबाई हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आयाम यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने होता है तरंग का ऊपर और नीचे उठना, ऊपर उठना और नीचे गिरना। तो तरंग देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक उठी हुई है, तो जहाँ तक तरंग उठी हुई है यहाँ तक, इस स्थिति तक, यहाँ तक तरंग उठी हुई है, तो ये ऊंचाई तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ सेम यही चीज़ यहाँ भी है, सेम यही चीज़ यहाँ भी है, ये भी तरंग की लंबाई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि तरंग की लंबाई तो कम हो रही है लेकिन आयाम बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, इस फिगर को देखकर आपको क्लियर हो रहा है कि तरंग की लंबाई, जो पहली तरंग की लंबाई यहाँ तक थी, आगे चलकर ये छोटी हो गई, यहीं तक बची, और आगे गए तो और छोटी हो गई, और आगे गए तो और छोटी हो गई। तो इस तरह से तरंग की लंबाई कम होती चली जा रही है दूरी के साथ साथ, लेकिन तरंग के आयाम बड़े होते चले जा रहे हैं। ठीक है, खुले समुद्र में या बीच समुद्र में जब सुनामी आती है तो वहाँ सुनामी का नेचर कैसा होता है, और जब वो कोस्टल एरिया में पहुँचती है तो वहाँ नेचर कैसा होता है, इस पूरे फिगर में यही दिखाया गया है। जब सुनामी आती है जिस स्थान पर, वहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ऊपर उठती है और समुद्र के लेवल पर पहुँचती है, वाटर लेवल पर पहुँचती है। जैसे ही वाटर लेवल पर पहुँचेगी वहाँ से वो ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये ट्रांसवर्स सुनामी वेव में कन्वर्ट हो गई, और ट्रांसवर्स सुनामी वेव ही हमको समझ में आती है, अंदर की वेव हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रभावित तो हम इसी से होते हैं, और इसमें भी उस सुनामी से प्रभावित होते हैं जो किनारे पर पहुंच जाती है। जब तक ये समुद्र के बीच में है, इसका उठाव यानी एम्पलीट्यूड 1 से 2 मीटर तक के होते हैं, मात्र 1 से 2 मीटर। होता ही कितना है, हो गया इतना, 2 मीटर हो गया। अगर समुद्र की लहर इतनी तो बिना सुनामी के भी उठ जाती है। जब समुद्र के जहाज गुजरते हैं उसके ऊपर से, समुद्र के लहरों को चीरते हुए जहाज आगे बढ़ता है, तो हम क्या देखते हैं,
कि बड़े आराम से जहाज पार कर जाता है। अब मान लो यदि सुनामी आ भी रही है सामने से, तो भी सुनामी कितनी उठेगी, 1 से 2 मीटर। नतीजा क्या होगा, जहाज को पता ही नहीं चलेगा, जहाज चालक को और जहाज में बैठे लोगों को यह पता भी नहीं चलेगा कि हम सुनामी के ऊपर से गुजर गए। क्योंकि सुनामी अपना प्रभाव गहरे समुद्र में नहीं दिखा सकती, क्योंकि गहरे समुद्र के पानी को उठाना कठिन काम है। गहरे समुद्र के पानी का वजन कितना होगा जरा सोचिए आप, इसलिए उतने पानी को ऊपर उठाना संभव नहीं है। तो सुनामी अपना सर कहां दिखाएगी, किनारों पर, कोस्टल एरिया में, जहां समुद्र का पानी बहुत शैलो यानी छिछला होता है, गहराई बहुत कम होती है, तो उस पानी को उठाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे सुनामी तरंग अपने सोर्स स्थल से आगे बढ़ती है, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुनामी तरंग की लंबाई बीच समुद्र में बहुत ज्यादा होती है, और वो लंबाई कितनी तक हो सकती है, 160 किलोमीटर तक हो सकती है। सुनामी तरंग की लंबाई 160 किलोमीटर तक हो सकती है। तो बीच समुद्र में सुनामी तरंग के आयाम 1 से 2 मीटर तक हो सकते हैं। उठाओ और धसाओ 1 से 2 मीटर तक हो सकते हैं। सुनामी की मैक्सिमम इंटेंसिटी सोर्स के पास होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां है, लेकिन उसका प्रभाव कोस्टल एरिया में दिखाई देता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां है, जैसे जैसे सुनामी आगे बढ़ेगी उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो किनारों पर कम इंटेंसिटी में ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी शुरू में होती है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे सुनामी तरंग आगे बढ़ती है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे उसकी वेवलेंथ कम होती चली जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं। यह सुनामी तरंग की मेन विशेषता है, लक्षण है उसका, कि सुनामी तरंग जैसे जैसे कोस्टल एरिया की तरफ पहुंचती है, उसकी वेवलेंथ कम होती चली जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जाते हैं, आयाम बढ़ते हैं, तरंग लंबाई कम होती है। सर, वेवलेंथ बढ़ती है और एम्पलीट्यूड कम, वेवलेंथ घटती है। ये देखो ना, ये वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ यहां आके छोटी हो गई। ऐसे समझेंगे जैसे दो छल्ले बंधे हैं, एक यहां और एक यहां, और यहां से लेके यहां तक धागा बंधा है। मैंने उस धागे को पकड़ के उठा दिया, तो ये छल्ले पास में आ जाएंगे कि नहीं, ये बात समझ में आई। ये दो छल्लों से धागा बंधा हुआ है, मैंने धागे को पकड़ के उठाया बीच में से, तो ये दोनों छल्ले पास में आएंगे, इसका मतलब लंबाई कम हो रही है, उठा दिया तो आयाम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है, तरंग की लंबाई कम होती चली जाती है, आयाम बढ़ते चले जाते हैं। देखिए आप, आयाम बढ़ रहे हैं कि नहीं, लगातार ऊंचाई बढ़ रही है। तो जैसे ही सुनामी किनारों पर पहुंचती है, किनारों पर पहुंचकर समुद्र के पानी को बहुत ऊंचा उठा देती है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत की गहराई बहुत कम होती है, तो कम गहराई के पानी को उठा सकती है वो, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, तो भी उसकी उसमें इतनी पावर है कि किनारे के पानी को आराम से ऊपर 10 से 20 मीटर तक उछाल देती है ऊपर। और 10 से 20 मीटर तक अगर पानी उछलेगा, उछलने के बाद जब किनारे पर थपेड़ा पड़ेगा उसका, तो पानी तो अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है, पानी से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं। तो इतना पावरफुल होता है पानी कि जब किनारों पर थपेड़े मारता है, तो सारे किनारों पर पाई जाने वाली जितनी संरचनाएँ सब बिगड़ जाती हैं, सब अस्त व्यस्त, पेड़ पूरे उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन चौपट हो जाती हैं, बस्तियां उजड़ जाती हैं, पुल बांध ढह जाते हैं, इतना बड़ा नुकसान करती हैं सुनामी। तो जब इतना बड़ा नुकसान सुनामी करे, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से उपाय उसके लिए कर सकती है सरकार, तो सरकार ने एक हिंदुस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, ताकि सुनामी आए तो उसका तुरंत ही उसकी जानकारी मिल जाए, और 15 से 20 मिनट में ही पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट कर दी जाती है। सुनामी आने से लेकर
20 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच जाती है कि सुनामी इस जगह से आ रही है और उसका प्रभाव कोस्टल एरिया में फलां राज्य के किनारे तट पर होगा, तो वहां के लोग सावधान हो जाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां पहुंच जाती है और वहां बस्तियां खाली करवाती है, मछुआरों को अंदर जाने की सलाह नहीं दी जाती, उनको बाहर कर दिया जाता है। सुनामी आने वाली है, खतरा है सुनामी का। तो सुनामी जब अंदर आगे बढ़ती है तो इसकी स्पीड 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, ये मैक्सिमम स्पीड है। 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सुनामी आगे बढ़ती है तो 800-600 किलोमीटर का दायरा उसको तय करने में केवल एक घंटा लगेगा बस। और सुनामी की जानकारी पहले से मिल जाती है तो हमारे पास समय बहुत कम होता है, उतना ही कम समय में पूरा खेल करना होता है। जरूरी नहीं है हर समय सुनामी की स्पीड इतनी हो, कम भी हो सकती है। हो सकता है सुनामी जहां आ रही है वहां से यहां तक की दूरी 2000-3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर की हो। जैसे इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी आई थी 2004 में, वो सबसे बड़ी सुनामी थी। उस सुनामी ने भारत के बहुत सारे, भारत ही नहीं भारत जैसे तमाम देशों को उसने प्रभावित किया था। जब सुनामी आई इंडोनेशिया की तो वो यहां आई थी, इस भाग में आई सुनामी, इस स्थान पर। अब यहां से भारत तक पहुंचने के लिए उसको हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा, यहां से यहां तक जाने के लिए कम से कम 2000 किलोमीटर चलना था। अगर सुनामी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी चल रही है तो 4 घंटे हैं हमारे पास संभलने के लिए, 4 घंटे में ही हमें सब कुछ करना है। तो इस तरह से भारत ने एक अलार्मिंग सिस्टम बनाया सुनामी, उसको कहते हैं इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। वर्तमान में ये हैदराबाद में है। तो भारत का अर्ली सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत का कहाँ है? हैदराबाद में, इसका सेंटर हैदराबाद में है। और वहीं से सुनामी की जानकारी कोस्टल एरियाज को दी जाती है। तो जब 2004 की जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला था? 11 देश प्रभावित हुए थे उससे, आसपास के 11 देशों में इसका प्रभाव देखा गया और इससे 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत में इसका सबसे सर्वाधिक प्रभाव स्वाभाविक है, जब सुनामी यहाँ आई है तो कहाँ जाएगी? सबसे पहले तमिलनाडु पहुँचेगी, तमिलनाडु, इधर श्रीलंका, उजाड़ दिया लोगों को। भारत में 15,000 लोग मारे गए थे 2004 में सुनामी से, श्रीलंका में भी बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो जो जो देश जहाँ जहाँ मिला सुनामी को वहाँ वहाँ निपटाती चली गई। लहरें अच्छी खासी ऊंची उठकर और आगे बढ़ रही थी, तो किनारों पर जब थपेड़ा मारा तो बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी उन्होंने। कई लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं स्वभाव से, बोले हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, हम चाहे मर जाएं लेकिन घर को नहीं छोड़ेंगे। तो कई मछुआरे ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनका मौत उनकी तय है, कोई नहीं रोक सकता। फिर समुद्र के अंदर चले जाते हैं, बोले हम तो समुद्र के पुत्र हैं, वरुण देवता हमारे देव हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। अब ऐसे में वरुण देवता भी क्या रक्षा करेंगे? सुनामी आएगी तो वरुण देवता अपने आप को संभालें कि तुमको संभालें? अरे वरुण देवता तुम्हें अलार्म सिस्टम दे तो रहे हैं, सूचना सुनामी की पहले सूचना दे दी, भैया भग जाओ सुनामी आ रही है, हम भी संकट में हैं तो तुम काहे को संकट में पड़ रहे हो? बोले नहीं, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। तो भैया हर चीज़ का एक तरीका है ना, हर समय वो सिर्फ भगवान के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, खुद को भी अलर्ट होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जन धन की बहुत बड़ी हानि होती है सुनामी के आने से। जब भूकंप आता है वो भी एक प्राकृतिक घटना है, भूकंप के बाद सुनामी आती है। भूकंप आता है तो समय नहीं देता, बहुत भूकंप के बाद बहुत कम समय मिलता है, या दूसरे शब्दों में कहें भूकंप आता है तो सिर्फ इतना पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में आया और उसकी तीव्रता कितनी थी, रिक्टर पैमाने पर हम माप सकते हैं। लेकिन हम सोचें कि भूकंप के आने की सूचना हमें पहले ही मिल जाए तो ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि भूकंप को आने में जरा सी देर लगती है, उतने में ही खेल कर देता है। जब भूकंप आता है तो कौन सी ऊर्जा होती है भूकंप में? कौन सी ऊर्जा होती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कल बताया था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है भूकंप में।
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भूकंपीय तरंगों में होती है। और यही ऊर्जा जब सरफेस पर पहुंचती है तो लव और रैली तरंग में कन्वर्ट होती है, और लव वेव सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमने पढ़ा था। तो भारत में अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? कई जगह स्थापित किया जा चुका है, लेकिन सबसे पहले किया था जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, कहाँ? उत्तराखंड में। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम वहीं स्थापित किया गया, देहरादून में। तो भूकंप का वार्निंग सिस्टम भारत का देहरादून में है, और सुनामी का वार्निंग सिस्टम कहाँ है? हैदराबाद में। भूकंप की आने का कारण एक बड़े बांधों का बनना है। टिहरी बांध जहाँ बना है, सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने, पर्यावरणविद थे, उन्होंने बहुत विरोध किया था इसका, विरोध करते करते मर गए, लेकिन टिहरी बांध फिर भी बना। बस उनके विरोध से उसकी ऊंचाई कुछ कम हो गई, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ेगी पर्यावरण को उतना नुकसान होगा, और बड़े बांध बनाए जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। उनकी ज़मीनें डूब क्षेत्र में आ जाती हैं, मकान उनके डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, जंगल के जंगल उजड़ जाते हैं, इतने लोगों को रिहैबिलिटेट करना कठिन कार्य है। इसलिए सुनामी, ये भूकंप जब भी बड़े बड़े बांध जब बनाए जाते हैं तो इन बांधों से उस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, जिससे भूकंप आने की संभावना बन जाती है। इसलिए बड़े बांधों को बनाने से मना किया जाता है। पृथ्वी का, विशेष रूप से भारत का, जो दक्षिण भारत का पठार है, दक्कन का पठार, वो पूरा का पूरा लावा की हार्ड चट्टानों से बना है, इसलिए वहाँ भूकंप आने की संभावनाएँ बहुत कम रहती हैं। आसानी से वहाँ से न तो लावा निकल सकता, ना पृथ्वी को हिला सकता, तो वो बहुत कम भूकंपीय जोन में आता है, कम भूकंप प्रबल भूकंपीय क्षेत्रों में नहीं आता। लेकिन फिर भी लातूर जो घटना हुई थी भूकंप की, याद है आपको लातूर की घटना? आप उस समय शायद पैदा भी ना हुए हो, 1993 में हुई थी लातूर का भूकंप। कोयना नदी के पर जो बांध बनाया गया है, बहुत बड़ा बांध, उस बांध के कारण ही वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की थी, और अंततः वो देखने को मिला, लातूर में भूकंप आया। इसी तरह गुजरात में कच्छ में 2001 में भूकंप आया था, उसमें भी 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बड़ा बड़ा भूकंप था। तो भूकंपीय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, और ना ही उसके वार्निंग सिस्टम को आप इस तरह से बना सकते हो कि तत्काल जानकारी मिल जाए और कोई सचेत हो जाए, ये बहुत मुश्किल का काम है। भूकंपीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अवश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगें होती हैं। जो ध्वनि तरंगें हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की, एक होती हैं अवश्रव्य, दूसरी श्रव्य और तीसरी पराश्रव्य। तीन प्रकार की तरंगें पढ़ा होगा आपने, कौन कौन सी? तीन प्रकार की तरंगें, नंबर एक अवश्रव्य, इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स। दूसरी होती हैं श्रव्य, इन्हें कहते हैं ऑडिबल। और तीसरी होती हैं पराश्रव्य, इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तीन प्रकार की तरंगें, ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक हम जानते हैं, जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यही पढ़ा है आपने, ये तो पढ़ा होगा ना। जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उस ध्वनि की इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये ध्वनि हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को हम नहीं सुन सकते,
और 20,000 से ज़्यादा वाली को भी हम नहीं सुन सकते। तो भूकंपी तरंगें जो होती हैं वो होती हैं 20 हर्ज से कम आवृत्ति की, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है भूकंपी तरंगों की। इसका मतलब भूकंपी तरंगों की लंबाई ज़्यादा होती है, भूकंपी तरंगों की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। तो इसीलिए भूकंपी तरंगें परीक्षा में पूछा जाता है किस प्रकार की ध्वनि तरंगें हैं, तो आप क्या कहोगे? इन्फ्रासोनिक। भूकंपी तरंगें इन्फ्रासोनिक टाइप की ध्वनि तरंगें हैं, ठीक है ना? वो ऑडिबल हैं, सुनाई भी नहीं देती हमको, और अल्ट्रासोनिक भी नहीं है, अधिक आवृत्ति की भी नहीं है। दुनिया में लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स को कौन सुन सकता है? लो फ्रिक्वेंसी की वेव को सुनने की क्षमता रेप्टाइल्स में होती है, जो बिलों में घुसे रहते हैं, चूहे सांप, वो इन तरंगों को सुन सकते हैं। इसलिए जब भूकंप आता है तो सबसे पहले सांप निकल के बाहर आ जाते हैं, जमीन से सांप निकलना शुरू कर देते हैं, चूहे बाहर आ जाते हैं, बिल्ली पागलों जैसी हरकत करने लगती है, घूम लगती है, गोल 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 गोल। बिल्ली को कभी देखा आपने? गोल गोल घूमती है, जब अपनी धुन में मस्त हो तो वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। इसका मतलब सिर्फ धुन में मस्त नहीं, वो कुछ अलार्म भी बजा रही है। कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं बिना बात के, ये अलार्म है भूकंप के आने का, क्योंकि भूकंप के जो पहला झटका आता है ना ऊपर, उसे केवल यही लोग सुन पाते हैं। जो डॉल्फिन होती है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव को सुनने की क्षमता है, क्योंकि उसमें उसका अपना अल्ट्रासोनिक सिस्टम होता है, इसे सोनार कहते हैं। हाथी इस तरंग को सुन सकता है, गैंडा इस तरंग को सुन सकता है, हाथी अवसर्प तरंगों को सुन सकता है, गैंडा भी सुन सकता है लो फ्रिक्वेंसी की तरंगों को। हाथी में सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि अपने बच्चे की पदचाप को हथनी 2 किलोमीटर दूर से भी सुन लेती है, उसमें इतनी क्षमता होती है। हाथी के कान बड़े होते हैं, बड़े कानों से सुनना आसान होता है, ज़्यादा सुन सकते हो आप, कान छोटे हो जाएंगे तो कम सुनोगे। बड़े कानों से ज़्यादा सुनाई देता है, ऐसे बनाइए, दोनों कानों पर ऐसे रखिए, पूरा हाथ इस तरह से बनाइए, दोनों इस तरह से, दोनों हाथ। अब मेरी आवाज़ को आप लगातार सुनिए, आप ज़्यादा सुनोगे। फिंगर बंद कीजिए, फिंगर बंद कीजिए, अब आपके कान का साइज़ बढ़ चुका है, अब आप सुनोगे तो मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होगी इस समय। हटाइए, आवाज़ कम हो जाएगी, फिर रखिए, फिर आवाज़ बढ़ जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, महसूस हो रहा है आपको ये चीज़? इसीलिए हाथी के कान जो बड़े होते हैं ना, वो बार बार ऐसे ऐसे करता है। हाथी कभी कानों को स्थिर नहीं रखता, वो ऐसे ऐसे करता रहता है। कुत्ता सामान्य रूप से लेटा हो या खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे ही उसको अलार्म लगता है फट से कान खड़े कर लेता है, करता है कि नहीं? कान खड़े करके कान का साइज बढ़ा लेता है वो जानते हो क्या कह रहा है कुत्ता? जैसे कभी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे गांव देहात में, वो पूछते हैं क्या कहा, ऐसे करते हैं, तो हमें लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो कान का साइज बढ़ा रहे हैं ताकि उनको धीमी आवाज़ भी सुनाई दे जाए। सेम यही काम कुत्ता करता है, उसके कान लटके रहते हैं और जैसे ही वो सचेत होता है तो फट से कान खड़े कर लेता है, कान दोनों कान खड़े करता है वो, तो उसको तेज चीज़ सुनाई देने लगता है, जो चीज़ नहीं सुनाई देती वो भी सुनाई देने लगती है। तो कुत्ते में क्षमता है इन तरंगों को सुनने की। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि भूकंपी तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, भूकंपी तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, क्या भूकंपी तरंगें ध्वनि तरंगें हैं? तो आप क्या कहेंगे? हैं, भूकंपी तरंगें ध्वनि तरंगें हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों में भी किस प्रकार की हैं? अब श्रव्य इन्फ्रासोनिक प्रकार की हैं। क्लियर है? तो मेरा उद्देश्य आज यही था कि आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करूं कि सुनामी कैसे बनती है, कैसे आती है, क्यों नुकसान पहुंचाती है, उसमें ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं, समुद्र के अंदर की ये घटना है ये, और ये किस प्रकार होती है हमने जानने की कोशिश की। तो पूरे विश्व में सुनामी की घटनाएँ कैसे हुई, क्या हुई, हमने जाना समझा, और सुनामी तरंगों की हमने तुलना किससे की?
सुनामी तरंग की तुलना हम किससे कर रहे हैं या भूकंपी तरंगों की तुलना हम किससे कर रहे हैं? तो पहले हमने कहा भूकंपी तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, अवश्रव्य। भूकंपी तरंग और सुनामी तरंग में क्या फर्क है? जब भूकंप आएगा तो उससे सुनामी उत्पन्न होगी। भूकंप आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्टोनिक थ्योरी पे आधारित। टेक्टोनिक एक्शन से भूकंप आते हैं, प्लेटें एक दूसरे से टकराएं, एक दूसरे से दूर जाएं, इसी से आते हैं। तो जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं उस घटना से सबसे ज़्यादा सुनामी उत्पन्न होती है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लेटों के अभिसरण से यानी कन्वर्जेंस से, जब प्लेट कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे के पास में आती हैं उससे जब भूकंप आता है तो सबसे बड़ी सुनामी उत्पन्न होती है। भूकंप के आने की घटना की थ्योरी एक वैज्ञानिक हुए एच एफ रीड, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये देने वाले थे एच एफ रीड नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये थ्योरी दी, एच एफ रीड। ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत किसने दिया था? और ये सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भूपरपटी यानी क्रस्ट में जो प्लेट्स होती हैं इनके निचले भाग प्लास्टिक जैसे सॉलिड होते हैं, निचले भागों में ये प्लास्टिक जैसा व्यवहार करती हैं या रबर जैसी होती हैं, प्लास्टिक ना कहकर रबर कह लो, रबर जैसी होती हैं सॉफ्ट। जब ये अंदर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं तो ये टूट जाती हैं और टूटने से ये वापस अपने स्थान पर आने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे से दबाती हैं, एक दूसरे प्लेटें दबाती हैं उनको, तो जो नीचे दब जाती है वो अगर टूट गई तो फिर वो वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगी, जिससे ज़मीन में हलचल होगी, कंपन उत्पन्न होगा और भूकंप आएगा। ये थ्योरी थी इनकी। तो ये टेक्टोनिक थ्योरी पे ही आधारित थ्योरी है, कोई अलग से नहीं है, टेक्टोनिक पर ही थ्योरी बनी। लेकिन ये थ्योरी इस बात पर निर्भर करती है, उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की हर प्लेट जो दब जाती है टूटने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आती, क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, उसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। तो टेक्टोनिक थ्योरी में इलास्टिसिटी जो शब्द दिया वो इन्हीं ने दिया था, इसलिए जो आपकी जो थ्योरी है टेक्टोनिक थ्योरी वो और ज़्यादा साउंड हो गई इनके द्वारा ये थ्योरी दिए जाने से। इलास्टिक गुण बताया इन्होंने और उसके आधार पर उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह से भूकंप आते हैं और उनके आने का कारण क्या है। क्लियर है? तो भारत में भूकंप कहाँ आते हैं? हिमालयीन क्षेत्रों में, निचले भागों में। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे, क्योंकि लावा से बना दक्कन का पठार है जो कि बहुत हार्ड चट्टान से बना है, इसलिए वहाँ ना तो ज्वालामुखी आते और ना ही भूकंप आते। फिर भी भूकंप के लक्षण देखे गए महाराष्ट्र में, लातूर में, तो उसका कारण रहा बड़े बांधों का बनना। ठीक है, क्लियर है? तो परीक्षा में इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंपीय तरंगों के बारे में कल हमने पढ़ा था, तो उसमें तरंगों की हमने स्पीड पढ़ी थी। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? पी वेव्स की, देन एस वेव की, देन एल वेव की, और सबसे लास्ट में रैली। ठीक, ये इनकी स्पीड का क्रम है। जब लव वेव सरफेस पे चलती हैं तो इनकी स्पीड कितनी होती है? मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड लव वेव की स्पीड है। क्लियर है? तो परीक्षा में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन्हीं से मैं प्रश्न दूंगा। 2 तारीख को आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, अभी से मैं घोषणा कर रहा हूँ। 2 तारीख का आपको टेस्ट होगा आपका, और उस टेस्ट में आपसे जो अभी 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं 4 सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, अगर आप मुझे सुन रहे हों तो आप भी ध्यान दें कि जो हम क्लास ले रहे हैं इसी का टेस्ट हम लेंगे। 4 सब्जेक्ट के लेक्चर रोजाना डाले जा रहे हैं, 25-25 नंबर के या 25-25 क्वेश्चन हम चारों पेपर से देंगे, 4 सब्जेक्ट से देंगे,
और 2 तारीख को आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। मैं ऑनलाइन भी आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ एक बात कि मैं हर चीज़ आपको वीडियो पर नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें मजबूरी है, मुझे ऑफ द वीडियो देनी पड़ती हैं। तो जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ लें, उतने से जितना समझ में आए ठीक है। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी ठीक हो तो आप जय हिंद शिक्षा संस्थान में आके एडमिशन ले सकते हो। अगर यहाँ हॉस्टल में रहते हो तो आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। फिर भी यदि आप बाहर रहकर भी पढ़ते हो तो भी बहुत नॉमिनल फीस है यहाँ की। एक बच्चे से केवल उतना लिया जाता है जितना बच्चे पर खर्च किया जाता है। हो सके तो बच्चे पर उससे लिए गए पैसे से भी ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की जाती है। इसका एहसास यहाँ पढ़ने के बाद आपको हो जाएगा। तो विद्यार्थियों तैयार रहें 2 तारीख के पेपर के लिए। मैं कल फिर मिलूँगा नया चैप्टर लेकर। कल का चैप्टर होगा पर्वत, पठार और मैदान। जय हिंद।